अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, और आज हम एक और स्ट्रीट फूड आए हैं। नाम है इसका टिप्सी डाइन। तो इनका हमने मेन्यू भी देखा है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। तो देखते हैं इनका आज क्या सीन है। जी फार्म भाई, तो यार टिप्सी डाइन हम आए हैं, इनका किचन ही है अंदर, बस छोटा सा बाकी सेटअप बाहर है, ठीक है। वो भी चेयर टेबल लगाए हुए, किचन भी मिरर लगा हुआ है। अभी अंदर जाते हैं, फाई भी दिखाते हैं। हमने करवाया जी ब्रोकन करवाए हैं, और इनका बिग मैक बर्गर, ठीक है। तो दोनों चेक करते हैं कैसे बनता है, सफाई वगैरह हर चीज़ देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके सर, ये थोड़ा बताइएगा, आपसे हमने बिग मैक करवाया और मोरक्कन करवाए हैं, तो सर जो मोरक्कन है ना जी, मोरक्कन और बिग मैक, ये हमारी स्पेशल आइटम है दो, ठीक है। जो एक तो हमारी होट सेलर है, और ऊपर से लोग जो हैं वो लाइक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सही है। इनके अंदर सर जो मोरक्कन है वो स्टफ चिकन है, जिसके अंदर चीज़ और एलापिनोस की स्टफिंग की हुई है, और जो बर्गर है बर्गर भी सेम ऐसे ही है, सेम है। उसके बीच में कट लगा के तो उसके अंदर भी स्टफिंग की हुई है फिले के अंदर, ठीक है। इसकी मेकिंग सर कुछ इस तरह से, हम इसको चिकन में जो है स्टफ करके, तो उसके बाद कोटिंग करते हैं मैदे की, अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। चलो फिर मेकिंग हमें दिखाएं इसकी। आ जाए, ये देखिए आपका ये है सर स्मॉल जो है सेटअप है हमारा, ये मैंने ले लिया मोरक्कन। इसको मैंने पहले अंडे में डिप किया। अच्छा, ये इन्होंने अभी उतारा है, ये कवर होता है पीछे, वो इसका पड़ा हुआ है। ये ब्रेड क्रम्स है जी, ये ब्रेड क्रम्स है, ठीक है। ये एक कोट हो गया इसको, सही हो गया। उसके बाद ये मोरक्कन को कोटिंग कर दी हमने। अच्छा, ये मोरक्कन है और वो जो साथ है वो बिग मैक है जी। ये एग में जा रहा है, ये एग वॉश है। ये डेली आपके चेंज हो जाता है एग्ज़ और जी जी डेली सर, डेली बेसिस पे। अच्छा, हम उतना ही बनाते हैं जितना हमारा एक दिन में यूज़ हो जाए। इसको कवर आप वो आगे से क्लिंग फॉइल से सर, वो ऐसे करते हैं जब हम ऑर्डर लगाते हैं ना जी, जी। तो ऑर्डर के बाद जो है हम इसको कवर कर देते हैं। कवर कर देते, सही हो गया। मतलब कि इसको जो हम है वो विदाउट कवर नहीं रखते, क्योंकि सर सफाई का जो ख्याल है ना वो हम मस्ट है। सफाई फर्स्ट है जी, बाकी टेस्ट तो फिर सेकंड भी आ जाता है जी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आपको मज़ा अच्छा, आएगा। अभी आप बार बार एग में और ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं जी। सर ये है कि ये कोटिंग होती है, अगर हम ये प्रॉपर नहीं ना करते तो इसकी जो चीज़ होती है वो स्कीज आउट हो जाती है, बाहर निकल आती है। चीज़ इसके अंदर जाएगी, चीज़ इसके अंदर चली गई है ऑलरेडी, हमने स्टफ करके रखा है। चीज़ डाली हुई है ये सर, आपका फिले रेडी है बिग मैक का, रेडी हो गया। और ये मोरक्कन है, सही हो गया, दोनों सेम ही लग रहे हैं जी। और ये जाएगा अभी फ्रायर में फ्राई होने के लिए, 7 मिनट इसका टाइम है। 7 मिनट तक ये फ्रायर में रहेगा जी। एक मिनट दीजिएगा, तो वेट चलो जी, ये फ्रायर में जाए, ये इकट्ठे चल जाएंगे जी, फ्रायर इकट्ठे जाएंगे और सेम टाइम है दोनों का, 7 मिनट के लिए जो है। इसके अलावा आप थोड़ा हमें गाइड कर दें और क्या क्या आपके पास है अवेलेबल जो सर, हमारे पास जो फास्ट फूड की वैरायटी है ना
तकरीबन फास्ट फूड की सारी वैरायटी पड़ी हुई है। नहीं, जो डिफरेंट चीज है जो यहाँ पे मतलब मिले, सिर्फ आपके पास मिले, बाकी कहीं ना मिले। ठीक है सर, उसमें आ जाता है सर, चीज़ें तो मेरे ख्याल से ख्याल है कि दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई चीज़ होती है। ठीक है, लाइक आपने मोरक्कन बताए थे आपके, डिफरेंट है, बिग मैक डिफरेंट है, उसके पास सर एक लोडेड फ्राइज है। लोडेड फ्राइज है, उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है? मतलब हमने तो बहुत जगह से खाई सर, आपने जो खाई होगी ना वो होता है जस्ट ग्रिल चिकन होता है, और फ्राइज होती हैं ऊपर जो मायोनीज होती है। जो हमारे पास होती है उसमें मायोनीज तो होती होती है, दो तरह की सॉसेज होती हैं, साथ में ऊपर चीज़ होती है, ओलिव्स होते हैं, एलोपिनोज होते हैं, और क्रिस्पी चंक होते हैं सर। क्रिस्पी चंक यानी काफी कुछ जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। जी, मतलब कि जो लोडेड फ्राइज है ना उस नाम पे हम पूरा उतर रहे हैं। सही, इसकी प्राइस क्या है जी? 300 सर। और ये बिग मैक की? बिग मैक की 350 प्राइस है, और जो मोरक्कन है वो 280 का है। 280 का है, तो इस लाइन में मेरा ख्याल मोरक्कन आप ही दे रहे हैं। जी, मैं ही दे रहा हूँ। और ये बिग मैक तो दे रहे हैं काफी, लेकिन आपका कहना है जो आप चीज लगा रहे हैं कोई नहीं लगा। अच्छा, कई लोग बाद में इंजेक्ट करते हैं चीज, इसके आपने पहले अंदर डाली हुई है? सर, हम पहले करते हैं, जिसकी वजह से एक तो चिकन जो है प्रॉपर कुक हो जाता है, और जो चीज़ है ये देखें उसकी वेट होना शुरू हो गई है। ये चीज़ जो अंदर से आ रही है? जी, अंदर से आ रही है। वेट जरा मैं ज़ूम करके खा दूँगा। सर, उसका जो अरोमा है ना, उसका जो फ्रेशनेस है, जो अरोमा है ना, उसका अपना ही मज़ा है। ये चीज़ अब अंदर से बाहर आ रही है, ये यानी पूरा फील है चीज़ से। जी, सही हो गया। जब हम इसको कट करेंगे या आप खाएँगे तो आपकी हर बाइट में चीज़ आएगी। हर बाइट में चीज़ ओके। ये भी आपके होममेड? जी सर। ये इसका नेम तो होगा ना कोई? सर, इसको हम माइल्ड वर्ल्ड कहते हैं। माइल्ड वर्ल्ड? जी, सही हो गया। बस कंप्लीट है जी हमारा बिग मैक? आपका बिग मैक कंप्लीट हो गया जी। इसको कट करें सर? इसको कट करें जी। अच्छा, इसके साथ सर्विंग में हमारे फ्राइज होंगे? जी सर, फ्राइज होंगे साथ। सही हो गया, ये पीस तो काफ़ी बड़ा लग रहा है सर। बेसिकली हम इसको कट करते नहीं है, बिकॉज जब कट करते हैं ना ये वो चीज़ सारी बाहर आ जाती है। बाहर आ जाती है, ये आप देख रहे होंगे। ये वो यही तो मैं दिखाना चाह रहा था, ये चीज़ देते हैं सारी, ये चीज़ ही बाहर आ रही है। सही हो गया, अब आप इसको उठाएंगे ना एक हाथ से तो वो चीज़ सारी बाहर आएगी। सही हो गया, अब वो मोरक्कन हुआ जी, वो भी आपका रेडी है। वो तो कट होगा ना? जी, वो कट होगा। सही हो गया। तो ये सर्विंग आप इस तरह करते हैं जी इसकी? सर, ये हमारी सर्विंग है। ये ब्लैक ओलिव्स? जी सर, ये ब्लैक ओलिव्स। बाहर आ भी जाए तो नो इशू, ये आपको जो आपकी सर्विंग में ही आएगी। ये कह लें कि प्रॉपर मील है सर, 350 में आपको ये 350 में पूरी मील हमें मिल जाएगी। अब हमारे कट होने के बाद है, इसके कितने स्लाइस होंगे सर? सर, इसके स्लाइस होते हैं 5 to 6। 5 to 6 स्लाइस होंगे इसके। ये भी चीज़ फील्ड है जी सर, ये मैं अभी आपको खाऊंगा, आपको अंदर आएगी चीज़। ये देखते हैं जी, ये चीज़ बाहर आ रही है, फुल टाइम जूसी सीन है जी सर। सही होगा, ये उठाएंगे तो सही होगी। सही होगा,
इसके साथ फ्राइज नहीं है सर, इसके साथ फ्राइज हमारी हर आइटम के साथ है। फ्राइज सब के साथ। ये उठा के आएगा ट्रे के साथ। ये जो सॉस आपने दी है ये कौन सी है सर? ये हमारी वही माइल्ड वर्ल्ड है। ये मेरे ख्याल आपकी सिग्नेचर सॉस है जी सर, कह सकते हैं। तो ये देखें चीज़ की क्वांटिटी गिर रही है जगह जगह से। चीज़ आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं सर? मोज़रेला। अच्छा, ब्रांडेड भी यानी के सर चेडर चीज़ होती है। सही है। उसका एक बंदा जो है वो घर में उसने ना लगाया हुआ है। मतलब होममेड रेडी करता है। होममेड रेडी जी। तो हमारे पास जो भी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है ना होममेड है, फ्रेश है। होममेड है, फ्रेश है। ये जी हमारे मोकन और ये हमारा बिग मैक, दोनों की रेडी है। ये आपको टॉपिंग हो रही है, ये सर आपका रेडी हो गया। रेडी हो गया। तो अब हम खाते हैं और इसका टेस्ट आपको बताते हैं। तो गाइस ऑर्डर हमारा आ चुका है, आपको दिखाया हमने क्लियरली। यहाँ पे तो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो ये जी हमारा ऑर्डर है, ये है जी मोरक्कन, इनका मोरक्कन है। और ये हमारा जी बिग मैक बर्गर है। बिग मैक बर्गर है, ठीक है। तो अभी जी भाई आप क्या ट्राई करना चाहेंगे फर्स्ट? अच्छा, ये सॉस इनकी स्पेशल है, होममेड है, और चीज़ होममेड है। ज़्यादातर चीज़ें होममेड है, यानी कि फुल टाइम हाइजेनिक सीन है, घर का खाना, हेल्दी खाना। क्या ट्राई करेंगे आप? मैं तो यार इनका जो ये फिले बर्गर, बिग मैक, बिग मैक बर्गर तो आप ट्राई करें, मैं फिर मोरक्कन ट्राई करता हूँ। यार सॉस इसके साथ है यार, गाइस बर्गर तो उनका बहुत अच्छा है यार। बर्गर तो आपने खाया नहीं भाई, जो अंदर मेन चीज़ है वो हमने ट्राई कर ली है। टिशू साइड पे करो मेरे, फुल क्रिस्पी है बॉस। अच्छा, तो यार मोरक्कन का टेस्ट बहुत अच्छा है, चीज़ फिल्ड है अंदर, ठीक है, अंदर तक टॉपिंग हुई हुई है, जूसी है बहुत ज़्यादा, ऊपर से क्रिस्पी है, थोड़ा सा ना स्पाइसी टाइप टेस्ट दे रहा है, डिफरेंट टेस्ट दे रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। इनकी जो सॉस है ना बिल्कुल प्लेन है, इसमें मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि लाइक आपके बहुत स्पाइसी है, या एक डिफरेंट ही सॉस है बिल्कुल ही, जैसा कि उन्होंने बताया होममेड है, तो टेस्ट भी बिल्कुल ही होममेड वाला आ रहा है, डिफरेंट। तो मोरक्कन तो मुझे तो बहुत बहुत ही अच्छे लगे। अच्छा, बर्गर जो मैंने ट्राई किया ना भाई, एक तो क्रिस्पी है, ऑयल अच्छा है, ये टेस्ट भी अच्छा है इनका, और सॉस इनकी बहुत मज़े की है अंदर से, बिल्कुल ना इसमें से चीज़ निकल रहा है, जो मेजर चीज़ है ना इसमें, चीज़ नहीं कर रहा है, और ये इसमें से भी चीज़ नहीं कर रहा है, और ये फील्ड है अंदर ही, चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब फुल टाइम मतलब। आइए ट्राई करें सर, कॉम्बिनेशन तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये चेक करूँ सर, सबसे पहले उन्होंने ऊपर एक ब्लैक ओलिव लगाया हुआ है। अच्छा, प्रेजेंटेशन वहाँ उनकी बड़ी अच्छी है, मतलब इस पॉइंट पे ना बहुत प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी है। अच्छा, ये इनका मोरक्कन चिकन क्या है? अच्छा, तो गाइस सीन ही है, जो जिंगल लवर है ना, जिंगल लवर है वो ये ट्राई करें, एक डिफरेंट चीज़ है, सही मायनों में अंदर से फुल जूसी चिकन है, ठीक है, हद से ज़्यादा जूसी है, ऊपर से क्रिस्प है हल्का सा, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। और ब्रेड हर की साफ लगी हुई है, इसका चिकन अंदर तक चीज़ फील्ड है, तो लेकिन इसके साथ थोड़ी सी गार्लिक लगाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना स्पाइसी कम है बस, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अच्छा, ये जो है ना इनका मोरक्कन, ये स्पाइसी भी है अंदर से, क्रिस्पी तो है ही, और अंदर से बड़ा सॉफ्ट है, और इनकी जो सॉस है ना बॉस, उसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। तू फ्राइज के साथ सॉस खा, फिर तू एक कटा लगा सॉस का, सॉस बिल्कुल होममेड है जैसे बनाई हुई है, लेकिन बड़ी थिक है, बड़ी पतली नहीं है, बड़ी अच्छी बनी हुई है, मतलब थिकनेस है इसमें, और टेस्ट भी अच्छा बॉस उसका। तो यार यहाँ पे ज़रूर आ रहा है आपने, बेस्ट स्ट्रीट फूड है इनका। इसका रेट क्या है? ये हमें 280 का मिला है,
ये और ये हमें 350 का मिला है। बाकी आपको डिस्काउंट करवाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, टेंशन नहीं लेनी, 0% डिस्काउंट नहीं, 0%। अच्छा खैर हर चीज़ परफेक्ट है, हाइजेनिक परफेक्ट है, हर चीज़ बहुत अच्छा सी। तो अब खा के फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जी गाइस, बिग मैक और मोरक्कन हमने खा लिए हैं दोनों चीज़ें, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। डीलिंग 10/10 है, हाइजेनिक 10/10 है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट मोरक्कन 10/10 है, बर्गर का 10/9.5 ड्यू टू लेस स्पाइसी हमें लगा, तो हमने उन्हें कहा स्पाइसी होता तो ज़बरदस्त होता, हमने उन्हें कहा थोड़ा स्पाइसी होता तो उन्होंने कहा मैं कर लूँगा स्पाइसी, मतलब चीज़ बहुत अच्छी है। 0.5 हमने इसके कम दिए कि हमें लेस स्पाइसी लगा। भाई मेरी तो राय ये है कि सबसे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि चीज़ी है, यानी आपको ये बिल्कुल बिना क्या कहते हैं ड्राई नहीं मिलेगा, फुल आपको ना ये चीज़ी होगा, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं जूसी भी है, जूसी है। और इनकी जो अपनी स्पेशल सॉस है ना, जिसका वो पता क्या नाम ले रहे थे, नाम भूल गया मैं, लेकिन सॉस भी वर्ल्ड आता था एंड पे, तो सॉस भी इनकी अच्छी है। और कोई भी चीज़ हमें क्वालिटी के वाले से ना कम नहीं दिखी। बाकी इन्वायरमेंट इनका बिल्कुल स्ट्रीट फूड है, यानी आपको बाहर ही बैठने को मिलेगा तो टेक वे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी अगर आप खाना चाहते हो, डिफरेंट चीज़ खाना चाहते हो, तो टिप्सी डाइन बड़ा जूसी है। वो मोरक्कन भी जूसी थे और फिले बर्गर भी जूसी था। हाँ मोरक्कन हमारी तरफ से भाई 100% रिकमेंडेड है, चेस आएगी। बर्गर भी जो है ना बिग मैक, वो भी 100% रिकमेंडेड ही है, उसकी भी चेस आएगी आपको गार्लिक सॉस के साथ। तो बाकी उन्होंने वैसे ही कहा मैं अब स्पाइसी करूँगा तो वैसे ही चेस आएगी, तो दोनों चीज़ें मतलब परफेक्ट थी, ठीक है। तो अभी मेनली जो था ना इनका, अभी आपको डिस्काउंट फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी डिस्काउंट हुआ। उसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे ही वीडियोज आती रहेंगी ऐसे।